नमस्कार, आप देख रहे हैं बॉली फ्राई। कंगना रनौत की सोशल मैसेज देने वाली फिल्म पंगा और वरुण धवन श्रद्धा कपूर स्टारर फिल्म स्ट्रीट डांसर 3D को रिलीज हुए पूरा एक हफ्ता गुजर गया है। अच्छी प्रमोशन स्ट्रेटर्जी के साथ दोनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर उतरी थी, लेकिन एक हफ्ते में किसका हुआ बेड़ा पार और कौन हुआ बेहाल, आइए आपको बताते हैं। बॉक्स ऑफिस की माने तो वरुण और श्रद्धा स्टारर स्ट्रीट डांसर 3D इस रेस में आगे निकल गई है। एक हफ्ते में 56 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस स्ट्रीट डांसर 3D ने कर लिया है। वहीं कंगना की पंगा महज 21 करोड़ के आसपास बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर काफी पीछे रह गई है। दोनों फिल्मों का हाल देखें तो वरुण की स्ट्रीट डांसर 3D भी एक हफ्ते में माउथ पब्लिसिटी का फायदा ना लेते हुए बहुत ज्यादा फायदा नहीं ले पाई है जितना कि मेकर्स ने सोचा था। वहीं कंगना की फिल्म पंगा को दर्शकों ने नकार दिया है। पंगा ने जहां पहले दिन शुक्रवार को 2,70,00,000 रुपए से ओपनिंग की, वहीं दूसरे दिन शनिवार को 5,61,00,000 रुपए कमाए थे। रविवार को 6,60,00,000 रुपए, सोमवार को 1,65,00,000 रुपए रह गए। मंगलवार को 1,65,00,000, बुधवार को 1,62,00,000 की कमाई की। वहीं गुरुवार को सातवें दिन फिल्म ने 1,53,00,000 रुपए का कलेक्शन करते हुए टोटल 21,36,00,000 रुपए का आंकड़ा दर्ज किया है। स्ट्रीट डांसर 3D की कमाई के आंकड़े देखें तो इस फिल्म ने शुक्रवार को पहले दिन 10,26,00,000 रुपए की दमदार ओपनिंग की। वहीं शनिवार को 13 करोड़, रविवार को 17 करोड़ और सोमवार को 4 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। मंगलवार को 3 करोड़, बुधवार को 3 करोड़ और अब सातवें दिन गुरुवार को फिल्म ने 3,43,00,000 रुपए की कमाई की है और इसी के साथ फिल्म का टोटल कलेक्शन 56,77,00,000 रुपए के आसपास पहुंच चुका है। स्ट्रीट डांसर 3D फिल्म सहज जानी वरुण धवन पर आधारित कहानी है। सहज इंडिया से काफी सारा पैसा लेकर लंदन लौटता है और फिर डांस प्रैक्टिस के लिए जगह खरीदता है। सहज का बड़ा भाई पुनीत डांस बैटल के फाइनल राउंड में चोटिल हो जाता है और कंपटीशन हार जाता है, जिसके बाद सहज का सपना होता है कि उस बैटल को जीते, लेकिन उसकी टीम कमजोर होती है। वहीं इनायत श्रद्धा कपूर का डांस ग्रुप पाकिस्तान से होता है। ऐसे में एक रेस्टोरेंट के ओनर राम प्रसाद यानी प्रभु देवा के जहां दोनों ग्रुप क्रिकेट मैच देख रहे होते हैं, तभी आपस में दोनों ग्रुप की लड़ाई हो जाती है। फिर शुरू होता है डांस को लेकर बैटल।